Hello guys, so welcome to your own channel, and I am a practicing advocate at Allahabad High Court in Lucknow bench. So hum log kya karenge, we would be discussing today various aspects of transfer of property act. To ye ek series hogi jisme main kai sare statutes ko uthaunga aur usko bariki se break down karenge section by section, taki wo aapke judi श्री का एग्ज़ाम हो या आप एक एडवोकेट हो जिनको इन सब की प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ती है, जिनको जहाँ पे ये यूज़ होते हैं, ठीक है ना. तो हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उठा रहे हैं आज, तो देखते हैं इसमें क्या मेन तो नहीं लेकिन डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है. तो देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है क्या, कि इसमें अगर आप वर्ड ट्रांसफ़र लिखा है, आप पूरे एक्ट में कई जगह देखेंगे कि ट्रांसफ़र वर्ड लिखा होगा, तो उसका मतलब ये हो गया कि किसी तरीके का ट्रांजैक्शन है. मतलब चाहे वो खरीदना हो, चाहे वो बेचने का हो, चाहे वो सेल पे देने का हो प्रॉपर्टी को, चाहे वो मॉर्गेज करने का हो, तो अगर ट्रांसफ़र लिखा है तो वो इनमें से कोई एक वर्ड का ही मतलब, इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट का ही मतलब होगा, ठीक है ना. तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है. तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट इनैक्ट कब हुआ, 1882 में. ये 1882 का फोर्थ स्टैट्यूट था जो कि इंडिया में लागू हुआ था, ठीक है ना. ये जुडिशरी के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इनैक्टमेंट ईयर बता दीजिए और कौन सा नंबर था जब वो इनैक्ट हुआ, ठीक है. तो एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882 है और इनैक्टमेंट ईयर 1882 हो गया. इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है 137, बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए. टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 8, ठीक. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करता है, ये ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है ना. और देर आर सर्टेन सेक्शंस दैट ऑल्सो डील विद ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है. लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी का एक अपना अलग स्टैट्यूट बना हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से. तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम लोग मोटा मोटा पढ़ेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन, ठीक है. कमेंसमेंट और इन्फोर्समेंट डेट बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशरी के एग्जाम के परस्पेक्टिव से, 1 जुलाई 1882, 1/7/1882, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक. इसका एक्सटेंट देख लेते हैं क्या है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक्सटेंट पूरे इंडिया में सिर्फ बॉम्बे में नहीं है, पंजाब में नहीं है, दिल्ली में नहीं है. इनके वहाँ पे अपने अलग स्टैट्यूट हैं, अपने अलग लॉज हैं, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरे इंडिया में है, सिर्फ 3 जगह नहीं है, बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली. अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं, अगर इन 3 स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक नोटिफिकेशन से, इन 3 स्टेट गवर्नमेंट मतलब बॉम्बे की गवर्नमेंट, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अपने स्टेट में अप्लाई कर सकती है. तो ज़रूरी पॉइंट नंबर 1, ज़रूरी नहीं कि पूरा अप्लाई करे, ये भी हो सकता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट अप्लाई करे और कुछ ना करे, ठीक है ना. आगे पढ़ते हैं बहुत ज़रूरी केस, राज नारायण सिंह वर्सेस पटना एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी. ये एक लैंडमार्क केस है, जुडिशरी के एग्जाम्स में बहुत आता है, राज नारायण सिंह वर्सेस पटना एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी. इसमें कहा गया था, इन द नेम ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ टीपीए, मॉडिफिकेशंस ऑफ लॉ कांट बी डन. जो एग्जिस्टिंग मॉडिफिकेशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते अगर आप टीपीए के कुछ प्रोविजंस अपने लॉ में, अपने स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. आगे क्या है, इसको मैं सीधा कर देता हूँ. आगे वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का जो एक एक्सटेंशन होता था ट्रांसफर प्रॉपर्टी का अपने स्टेट में अप्लाई करने का, उसके बारे में और पढ़ते हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट ये लॉस को या तो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर सकता है, यानी कि आज अप्लाई करा, आज नोटिफिकेशन आया तो कल से ये लॉ अप्लाई हो सकता है, या रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई कर सकता है. वो ये कह सकते हैं कि साल 2020 से ये कानून लागू हुआ माना जाएगा, ये भी कर सकता है, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से, सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ही है, सेक्शन 54 पैरा 2-3,
सेक्शन 59 जो कि मॉर्गेज से डील करता है, और सेक्शन 107 और सेक्शन 123 इनको एग्जेम्प्ट कर सकता है। आप जैसे जैसे ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे, ये स्टैट्यूट आगे पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वाई सेक्शन 54, 59, 107 एंड 123 हैव बीन चोजन एग्जेम्प्ट करने की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं लगता है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली गाइस, जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं लगता है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेक्शन 54, सेक्शन 59, सेक्शन 107 एंड 123 को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं लगता है वहाँ वहाँ TPA का प्रोविजन सेक्शन 54, 59, 107 एंड 123 को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, हम लोग और आगे पढ़ते हैं कितने तरीके के ट्रांसफ़र हैं। ठीक है, तो कोई भी आप स्टैट्यूट इंडिया को उठा के देख लीजिए, ट्रांसफ़र मेजरली तीन तरीके का होता है। ठीक, पहला ऑपरेशन बाय ऑफ लॉ, ठीक, कानून में जो लिखा है उसके हिसाब से आप ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा ट्रांसफ़र बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट जैसा कहे वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक, थर्ड ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, ठीक, पार्टीज अपने विल में अपने एग्रीमेंट में कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल देते हैं, कुछ ऐसे क्लॉसेस डाल देते हैं, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। जब TPA नहीं था तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती थी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, क्योंकि जज का जो मना था वो करता था, क्योंकि रिटर्न लॉ होता नहीं था तो उनके हिसाब से जो सही होता था वो होता था। ठीक है, तो इससे ही डील करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया। ये फिर टेढ़ा, इसको मैं फिर से सीधा कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ये प्रीएम्बल में लिखा है, आप TPA खोलेंगे उसमें पहले पेज पे प्रीएम्बल लिखा होगा, उस पर लिखा होगा टू रेगुलेट द ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है ना, मैंने ऊपर क्या पढ़ाया था आपको, मैंने ऊपर पढ़ाया था कि ट्रांसफर दो तरीके का हो सकता है, या तो ऑपरेशन बाय लॉ, या तो ट्रांसफर बाय कोर्ट ऑर्डर, और तीसरा बाय ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो TPA किस तरीके के ट्रांसफर को रेगुलेट करता है, TPA रेगुलेट करता है ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, जो कि हमारा थर्ड पोर्शन था, हमने ऊपर पढ़ा ना। तो आपसे पूछा गया TPA किस लिए यूज होता है, तो ट्रांसफर टू रेगुलेट द ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। पार्टीज कोई कानून से अलग जाके गलत तरीके से ट्रांसफर ना कर दे, इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया। ठीक, सेक्शन 2D और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज अ सेविंग राइट्स ऑफ पार्टीज विच हैव बीन क्रिएटेड बाय ट्रांसफर विच इज डन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एज वेल एज ट्रांसफर बाय कोर्ट ऑफ ऑर्डर, और इन अदर वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से सुनिएगा, TPA डजंट इफेक्ट द ट्रांसफर विच इज डन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और ट्रांसफर डन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक, उन दोनों से अगर ट्रांसफर हुआ है तो TPA विल नॉट इफेक्ट दैट, TPA विल ओनली इफेक्ट the transfer which is done by act of parties। another very important point, बहुत छोटे छोटे point है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई advocate बहस कर रहा होता है, argument कर रहा होता है, और जज सीधे question फेंक के मारता है कि TPA का बात है, तो आपको बताना पड़ेगा by regulating the transfer when there is a transfer by act of parties, उसको regulate करने के लिए TPA आया है। ठीक है guys, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कभी और सेक्शन 5 से चालू करेंगे, क्या होता है TPA में और क्या क्या होता है। थैंक यू, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी ठीक लगी हो तो लाइक कर सकते हैं आप। थैंक यू।